गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज इतना एक्साइटेड हूँ बताने वाला हूँ, बहुत प्यारी जगह जा रहे हैं। तो मैं आज ऑफिस से जल्दी आ गया था। आज हमारा अचानक से प्लान बना है, हम जा रहे हैं वृंदावन। ओम मियाँ बेटे पाओ प्रणाम। हाँ जी करो प्रणाम। और भी प्रणाम पूर्ण प्रणाम। मैं जा रहा हूँ, आओ जाओ बेटा, मथुरा जा रहा हूँ। पापा मम्मी कर रहे हैं तिलक। मम्मी प्रणाम। चले तभी हम जो लोग जा रहे हैं, पहले महादेव ट्रेवल्स, वहां से लेके आएंगे टिकट, राइट। मैं पहुंच चुका हूं, आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये है अम्बेडकर सर्कल। तो अम्बेडकर सर्कल के जस्ट सामने है महादेव ट्रेवल्स। तो मैंने यहां से अपनी टिकट बुक करवाई। चलो चलो मिलते हैं अंदर, सरदार से बात करवाते हैं। महादेव ट्रेवल्स पे ही ऑनर है बल्ली भाई, नमस्ते। तो इन्होंने मेरे फोन पे भी टिकट बुक कर दी थी सर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और एकदम रीजनेबल प्राइस में टिकट बुक करते हैं, डाल दूंगा। आप लोग भी इनको फोन करके अपना कहीं भी जाना हो तो सीट बुक करवा सकते हैं, और मेरा नाम लोगे तो 100% डिस्काउंट मिलेगा। तो मिलेगा ना, ठीक है। मैंने तो टिकट कर रहे हैं बुक, बंडी पैसे यहाँ से टिकट ले लिया। तो सर चलते हैं, मिलते हैं वापस मथुरा से आने के बाद। थैंक यू सर, थैंक यू। तो अब ओके, थैंक यू। तो अब चलते हैं सीधा घर और निकलते हैं बस की ओर। युद्ध लड़ने जा रहा है क्या? युद्ध नहीं जा रहा हूँ, वृंदावन। राधे 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 राधे। बाय दुगु। अंकल जी आप ही आ लो, आप ही आ लो, प्रणाम करो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, घुमा ले। ये है जैन ट्रेवल्स की गाड़ी, और सीरियसली एकदम ये जोधपुर से आती है। और सरदार जी हमारे को ड्रॉप करने के लिए महादेव ट्रेवल्स से सीधा यहाँ आए, तो थैंक यू सो मच सर। तो ये देख सकते हैं, बाकी गाड़ी का पूरा इंटीरियर आपको अंदर से दिखाऊंगा मैं। पहले चेक पोस्ट है, अम्बेडकर सर्कल पे है, हमारे चुंगी नागा पे ही है जैन ट्रेवल्स का पूरा। तो यहाँ के जो बैठे हैं सरदार जी भी बैठे हैं, ये भी है साथ में। तो अभी गाड़ी का रखते हैं पहले बैग, कुछ इस तरीके से अंदर का इंटीरियर। और ये बाहर का आप देख सकते हो ये पूरा, और ट्रैफिक इतना ज्यादा है देखो अभी सीटिंग का। तो फाइनली मेरे को सीट मिल गया है, मैंने तो ऑनलाइन बुक कर दिया था। और ये अंदर से कुछ इस तरीके से इंटीरियर है, सीरियसली नो डाउट बहुत प्यारी गाड़ी है ये। और आप ये देख सकते हैं अंदर से काफी ज्यादा भीड़ है। तो फाइनली हम लोग निकल चुके हैं पाली से, तो बाय बाय करने का टाइम आ गया वाली को। बाय बाय। और अभी तो टाइम हो रहा है अभी 7:30, लोग पहुंच चुके हैं पाली से सोजद। पाली से 40 किलोमीटर की दूरी पे है ये, और ये मेरा गाँव है। ये सोजद का बस स्टैंड है। तो अभी फर्स्ट स्टॉप लिया है गाड़ी ने, तो गाड़ी यहाँ पार्क हुई है। बाहर चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कौन सी होटल पे गाड़ी रुकी है। तो नीरज उतर रहा है वैसे तो, और मैं तो खाना खाऊंगा नहीं, वो खाना खाएगा पहले तो उतर के। तो ये हाईवे पे ही है। और आग क्या नानू, हाँ आपको ठंड नहीं लग रही क्या? ये हमारे सुपरमैन उतरते ही हो गया खर्चा पहला। नानू क्या खा रहा है तू? पॉपकॉर्न दे दो बेर को, एक पॉपकॉर्न दे दो इसको, पॉपकॉर्न। आपको क्या खाना है? तो यहाँ देखते हैं एक बार अंदर चल के, और आप लोगों को दिखाते हैं पापा मम्मी का इंटीरियर। हाँ पापा मम्मी होटल है, ठीक है, नाम से ये होटल है, हाईवे पे है वैसे तो, देख सकते हो आप। ये देखो गुड मॉर्निंग, टाइम हो रहा है अभी 5:27। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं भरतपुर, और आप अभी हम लोग चल रहे हैं आगरा हाईवे पे। तो भैया गुड मॉर्निंग। भैया आपका नाम क्या है? उदयराम जी। अच्छा अच्छा यार, गाड़ी बहुत तगड़ी चलाते हो आप, सीरियसली अभी पहुंचने वाले भरतपुर। कितने बजे पहुंचोगे भैया? 10 मिनट बाद भरतपुर आ जाएगा। हम लोग भरतपुर उतरे हैं, तो ये गाड़ी थी और बस स्टैंड के बाहर उतारा है। भैया थैंक यू सो मच, आपने एकदम सेफली हमको उतारा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड मॉर्निंग नानू। गुड मॉर्निंग बिटू। हमें अपना बोझ उठाना ही पड़ेगा, कुछ भी कर लो, शादी के बाद तो बोझ ही उठाना है। देख लो आप, वो एक वो बैग उठा दियो, एक वो उठा दियो, लाड़ देखो, ए देखो आ रही है।
अरे हम लोगों को मिल गई है बस भरतपुर से, और ये बस है रोडवेज की, 6:20 पे निकलती है मथुरा के लिए। अगर गाड़ी हो गई पूरी पैक और रवाना हो गई है, 6:20 पे फिक्स निकलती है गाड़ी। तो ये मॉर्निंग में देखो आप ओस देख सकते हो, सुबह सुबह मॉर्निंग में 7:30 हो रहे हैं अभी टाइम, और देखो ओस। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मथुरा। अबे 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 साले कितने रुपए ले गए ए भाई, कितने रुपए ले रहे हैं? ये 300 रुपए। ये खलासी है हमारा, ये नीरज गाड़ी चलाएगा। तो भैया ऊपर सामान रख रहे हैं, फॉग देखो आप फॉग। तो अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं, तो अभी हम लोग इस आश्रम में रुके हैं वैसे तो, और बहुत ही प्यारी व्यवस्था है यहाँ पे। इनका नाम बता देता हूँ, श्री वैष्णो शक्ति पीठ भक्तों के ठहरने की व्यवस्था है, और बाहर से कुछ इस तरीके से दिखती है ये। अभी हम लोग जा रहे हैं बाकी बिहारी जी के मंदिर। अनु बोल जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। आपका क्या नाम है छोटू? नील। वाह, छोटू का नाम है नील। अरे आप छोटू? हाँ। अभी हम लोग जा रहे हैं पहले, सबसे पहले बाकी बिहारी जी का मंदिर, और हम लोग रेडी हो चुके हैं एकदम अच्छे से। मंदिर के बाहर इतना भीड़ है। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं बाकी बिहारी जी का मंदिर। राधे राधे। चलो चलते हैं। मैं यहाँ पे आया हूँ, कौन सा मंदिर है भैया? ये बलराम जी का। बलराम जी का प्यारा मंदिर है, सीरियसली बोल रहा हूँ। और ये अभी आरती अभी होनी है ना वैसे? हाँ अभी होनी है। सभी पूजा अर्चना में बैठेंगे हम लोग, आनंद लेंगे पूरी आरती का, और आप लोग जुड़े रहना मेरे चैनल पे। और यहाँ देखो सब अपने अपने आनंद में व्यस्त है। तो नानू डांस कर रहा है, ये देखो आप, क्या बात है नानू डांस करते हुए। दर्शन हो गए अच्छे से, तो मजा आ गया। आप देख सकते हो स्कूल के बच्चे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, ये तो देखो, हरे राम हरे कृष्णा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे। ये म्यूजियम है, वो इंडिया है। हाँ हाँ, जो यहाँ पे सब हर जगह स्पॉन करते हैं। अच्छा, इतनी जगह पे ऐसा कुछ, मतलब इतने जगह पे स्पॉन टेम्पल। आलू इतनी बड़ी गाय देखो, कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे हर हर महादेव। और आप कैसे हैं? बस बढ़िया हूँ प्रभु। आप राजस्थान से? बिल्कुल प्रभु। मैं हरियाणा गुड़गावा से मुकेश कुमार आहूजा बोला बाबा। जी जी है ये लो, फिर तो आपको खजाना भी देंगे। हाँ बिल्कुल। बेटा लेके आए, क्या नाम है आपका? हाँ जी सोनिया गांधी को हमने खजाना दिया है, अगली बार आएगा इसका। क्या नाम है? राहुल। नहीं हरे कृष्णा प्रभु हरे कृष्णा। प्रेम से बोलिए जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण बलराम। जय श्री कृष्ण बलराम। और शंकर भगवान की जय हो। हरिओम हरिओम। ये आपके वो है सोनिया गांधी एंड राजीव गांधी। और ये मेरी दीदी प्रियंका गांधी। प्रियंका भी आई है। वो बोले ना। हम इस्कॉन टेम्पल से जा रहे हैं प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर है ओनली फॉर वॉकिंग डिस्टेंस है, लगभग होगा 500 मीटर की दूरी पे। तो ये देखो आप आने वाला है, वो शाम हो गई है, आगे चल रहे हैं। खूब मजे किए। माता जी का मंदिर है आई थिंक प्रेम मंदिर। क्या मार है जस्ट तो सही। हाँ जाओ मत रुको। प्रेम मंदिर देखो आप कितना हम है वृंदावन, और यहाँ हम घूम रहे अभी प्रेम मंदिर में। ये थोड़ा और नजदीक से दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को, एक बार देख सकते हैं कितना प्यारा बनाया गया है। सीरियसली यहाँ आने के बाद वापस जाने का मन नहीं करता है। देखो आप मजा आ गया। थोड़ा और नजदीक दिखाने का, देखो आप कितना प्यारा मंदिर बनाया गया है इसको। ये फोटो शूट चल रहा है यहाँ पे, पीछे कृष्णा भगवान जी का स्टेचू के आगे ही है ये, तो चलो अब आगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। हम प्रेम मंदिर के पूरा राउंड निकाल रहे हैं, ये देखो आप इसकी पूरी विशेषता है ये मंदिर की, कितना प्यारा है ना। कृष्णा भगवान अपने गाय चरा रहे डुब आलू आलू तो पीछे है, ये नेट चालू कर पापा साथ ही। ये देखो आप नानू कृष्णा भगवान देखो दिख रहे हैं आपको, आप देख सकते हो बीच में तो है राधा रानी और ये गोपियां हैं, और आसपास में इनके गोपियां हैं। अपनी छोटी वाली उंगली पे श्री गिरिराज गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी वाली उंगली पे उठा है, फिर सारे ब्रिजवासी देखो इसके नीचे आ गए, बारिश से बच गए। तो बोलो कृष्ण भगवान की जय। पूरा प्रेम मंदिर के राउंड में चक्कर निकाल दिया है और घूम लिया अच्छे से घूमा, और अभी जा रहे हैं हम लोग अंदर। राधे 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 राधे। क्या बात है इतना प्यारा। ये प्रेम मंदिर का मेन एंट्रेंस है मंदिर का, ये देख सकते हो आप, मैं जस्ट बाहर ही खड़ा हूँ, जस्ट पास में हूँ। बहुत प्यारा लग रहा है, पब्लिक देखो आप, बहुत ज़्यादा पब्लिक है आसपास, बहुत शानदार दर्शन हो गए हमारे तो। वापस हम लोग जल्दी आएंगे वापस, वापस हमारा पाली जाने का मन नहीं कर रहा है। तो हमने पूरा प्रेम मंदिर घूम लिया है,
मजा आया ना? हाँ जाके मंदिर बहुत क्यूट है ना, क्योंकि यहाँ पे कौन रहते हैं? कृष्ण भगवान, इसलिए मंदिर बहुत क्यूट है। खा रहे नानू है ना? पहुंच चुके हमारे धर्मशाला में और यहाँ पे